हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं, घर पर हैं सब लोग। मम्मी पापा आ गए हैं अमेरिका से। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मम्मी पापा मेरे लिए क्या लेकर के आए थे अमेरिका से, भैया भाभी ने जो भेजा था। सो वो सारे व्लॉग आपने बहुत पसंद किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आफ्टरनून का टाइम है, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। मम्मी बना रही हैं लंच, बना रही थी रोटियाँ, वो सेकती जा रही थी और मैं यहाँ पे खाना लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज लंच में बना है मसूर की दाल, रोटी, सब्जी, चावल, तो वही सारी चीज़ें हैं घर पर। और मम्मी रोटियाँ बना रही हैं, मैं यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वर्मा जी की प्लेट लगाई है, वो आए थे बताने के लिए मुझे छाछ दे देना, साथ में भुना हुआ जीरा भी डाल देना, तो वही मैं अभी यहाँ पे डाल रही थी। और ये सबसे पहले वर्मा जी की मैंने प्लेट लगा दी है, पापा की भी थाली लगा दी है। तो ये देखिए फिर वर्मा जी आए, कुछ तो वो बॉटल वगैरह ले रहे थे। चटनी हमारे घर पर रहती ही है, जैसा कि आपने मेरे पहले ही व्लॉग्स में देखा ही होगा, हरी धनिया वाली चटनी। सो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है और आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है कि जो मेरा बर्थडे गिफ्ट है वो मुझे मिल गया है। तो आज की ये है लंच की थाली, जिसमें की है दाल, आलू प्याज की सब्जी, आलू कद्दू, चटनी, रोटी एंड ये है मठा। इसके बाद मिलेगा मैंगो। रोटी सिक गई है, मम्मी खाना खिलाएंगी, पीहू कह रही है, लगा के हम आपको देते हैं। तो मम्मी ने रोटियां बना ली हैं, उसके बाद वो अपनी पीहू अपनी नन्नू से ही खाना खाती है। आप देखते होंगे कि जब मम्मी थी मेरठ वाली मम्मी तो वो मम्मी से खाती थी, और अभी फतेहपुर वाली मम्मी है तो वो उनसे खाती है। लीजिए बेटा, देखिए तो खा के चुप्पे चुप्पे क्या दे रही हैं। मीठा पान, अच्छा अमेरिका का, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शायद मेरा फ्लैश गंदा है, साफ कर लेती हूँ। हाँ, तो अभी मैंने फ्लैश साफ कर लिया है। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में। पीहू की फ्रेंड का बर्थडे है, सो हम लोग रेडी हो रहे हैं। मम्मी पापा नहीं जाएंगे, मम्मी पापा घर पर ही रहेंगे। फेस पे एकदम से धूप आ रही है, अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, लिपस्टिक मुझे लगानी है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कौन से कलर की लिपस्टिक लगाऊँ, डार्क लगाऊँ या न्यूड शेड लगाऊँ। वैसे न्यूड लगाऊंगी तो भी अच्छा लगेगा, और लेकिन बर्थडे पार्टी है तो एक बार सोच रही हूँ डार्क लगा लूँ। एम थोड़ा सा अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो देखती हूँ वर्मा जी को पूछती हूँ या फिर मैं खुद ही कुछ देखती हूँ और फिर उसको मैं लगाती हूँ। एंड तैयार हो गए हैं, मम्मी पापा तो जा नहीं रहे हैं, वो घर पर ही रहेंगे क्योंकि हम ही लोग इन्वाइट हैं और इसलिए बच्चों का बर्थडे पार्टी है करके हम लोग आ जाएंगे। तो मैं क्या लगाऊँ लिपस्टिक में, लाइट शेड या डार्क शेड? लाइट न्यूड शेड देखती हूँ अभी कुछ अप्लाई करके, उसके बाद मिक्स एंड मैच। रेड नहीं है ये ड्रेस ही मेरा, मैरून है, मिक्स एंड मैच करके कुछ तो मैं अभी लगाती हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, यहाँ पे उसका गिफ्ट भी मैंने पैक कर लिया है। इधर वर्मा जी हैंडसम हीरो खड़े हुए हैं और मैंने सोचा था दो चार फोटोज क्लिक करेंगे पर वो हो नहीं पाया। पीयू भी इधर खड़ी हुई है, उसने फ्रॉक पहना हुआ है। तो अभी एक फ्रेंड और है हमारे जो कि आने वाले हैं, साथ में हम लोग जाएंगे। Okay, before we start, can I have birthday papa and mama to join? Birthday papa and mama, yeah, only. Hello, birthday, please. Let's go. Oh my god. Hi. Oh my god, Sunday, Easy, come on, all of you say hi. Yeah, brother. Okay, before we start, birthday papa, to be
तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही है। पहले कुछ गेम वगैरह हुए, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद डांस वांस खूब मस्ती किया, खूब मज़ा आया। और ये देखिए, ये बर्थडे गर्ल और उनके मॉम डैड आ रहे हैं, सो बस केक कटने ही वाला है। चलिए आप भी बर्थडे इन्जॉय करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी नेक्स्ट डे की क्लिप हो चुकी है। कल मैं आने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और फिर लेट हो गया था, तो फिर रात में कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। एंड पी हुई स्कूल जा चुकी है, वर्मा जी भी ऑफिस जा चुके हैं, हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बस मैं बैठी हुई थी। अब मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी, जो कि आपको पहुँचाना है आज का ब्लॉग जो जाने वाला है। एंड मेरा बर्थडे आने वाला है, सो देखते हैं कि क्या होता है। कल है मेरा बर्थडे, इस बार मैंने बर्थडे का कोई जिक्र नहीं किया इन दिनों में। आप लोगों को याद था कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो सो गाइज, ये शाम की क्लिप है। वर्मा जी मुझे बाहर लेकर के आए हैं विजय सेल। तो यहाँ पे पीहू की मस्ती देखिए, वो यार टीवी देख रही है और क्या कर रही थी। और इधर देखिए वर्मा जी, पता नहीं क्या लेना है, वो लेकर के मुझे आ तो गए हैं यहाँ। क्या लेना है आपको? एक चीज। क्या? तो गाइस देखते हैं ये क्या करने वाले हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनको क्या लेना है, जो ये मुझे विजय सेल्स लेकर के आ तो गए हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे विजय सेल्स में। न जाने वर्मा जी को क्या लेना है, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या लेना है आपको? आप बताओ क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ के? मुझे क्या पता, आपको कुछ ना कुछ लेना ही होता रहता है। पर अब क्या लेना है, कौन सा झटका देने आए हो यहाँ पे? स्पीकर स्पीकर दे के जा रहे हैं। ये कुछ तो है बॉडी बिल्डर के लिए कुछ है। ये देखिए ये क्या देख रहे हैं, यही सब देखने आए होंगे यहाँ पे। देखने दीजिए इनको, देखते हैं क्या ये क्यों आए, मेरे को पता नहीं है। बोले कि चलो तैयार हो जाओ चलना है। ये देखो, ये आपको ना आज मैं गन दिला रहा हूँ, फेरा गन। ये देखो, ये जैसे कर रहा है ना बॉडी बिल्डिंग। मुझे नहीं देखना है ये, मेरे को क्या करना है इसको? आ जा बेटू, पी हूँ कम। ये देखिए, मैं बुलबुल को यहाँ पे लेके आया था, और वो देखिए वो कहाँ पे जाके अटक गई। नाउ यू सी कि उसको कहाँ पर अटकना ही था। यार ये तो गलत जगह अटक गई भाई। नाउ अच्छा ये देखो वीडियो। और ये कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, कौन सा? iPhone 13 Pro। क्यों, ये कैसा है, मतलब इज इट गुड और बैड? अच्छा लगा तुम्हें? कलर दिखाना इसका कौन सा है? ग्रीन नहीं, ग्रीन ग्रीन कुछ मज़ा नहीं आ रहा। आप गोल्ड वाला जो है ना वो लो कुछ। तो गाइज़ उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इन्होंने ये गोल्ड कलर वाला आईफोन मंगा लिया, और इन्होंने मेरे को बर्थडे गिफ्ट में सरप्राइज़ दिया। मतलब मेरे को अनएक्सपेक्टेड था इतना महंगा गिफ्ट। मैं पहली बार, मतलब मेरी लाइफ का बर्थडे सबसे महंगा गिफ्ट यही होने वाला है अभी तक का। तो भाई वो वक्त आ गया है, एंड नाउ यू सी चेहरे पर खुशी देखिए। और हुआ क्या है, हुआ क्या है? आईफोन मिला है। कौन सा दिखाओ भाई अच्छे से। आईफोन 13 प्रो, iPhone 13 Pro मिल गया भाई, गोल्ड कलर, वो भी गोल्ड कलर, तीन कैमरा। आ गया मज़ा, ठीक है। देखिए बहुत लोग वीडियो भी बना रहे हैं अनबॉक्सिंग का।
अब इसका पावर बटन ऑन करते हैं। तो गाइज आपने देखा मेरा बर्थडे गिफ्ट, मुझे बर्थडे के एक दिन पहले ही वर्मा जी ने दिला दिया और सच में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था वो लेकर के मुझे आए। मुझे लगा वो अपने काम से आए, वो स्पीकर वगैरह देख रहे थे। सो यहाँ पे फाइनली जो इसका बिलिंग वगैरह है वो सब इन्होंने करवा लिया है और मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे मिल गया है। ये देखिए मुझे ये दे रहे हैं, तो बस मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। इधर देखो, देखिए खुशी का ठिकाना देखिए उनकी, बहुत ज़्यादा खुशी है। वाह, आईफोन मिल गया है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने घर, मुझे फोन मिल चुका है मेरा बर्थडे गिफ्ट। चलिए अब चलते हैं घर और अब आपको बहुत जल्दी आईफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब नेक्स्ट आने वाला जो व्लॉग है मेरा बर्थडे व्लॉग, वो आपको मेरे आईफोन से ही शूट करूंगी मैं। तो चलो घर चलते हैं। तो फ़ोन लेने के बाद वर्मा जी मुझे लेकर के आ गए थे शॉपर स्टॉप। उन्होंने बोला अब अपने लिए तुम ड्रेस भी परचेज़ कर लो, और बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन के अलावा मतलब ऑफलाइन शॉपिंग करने आई हूँ और बर्थडे गिफ्ट लेने वाली हूँ वर्मा जी की तरफ से। एक बढ़िया सा ड्रेस गाउन लेने वाली हूँ। उनका मन था कि एक वन पीस तुम ले लो, और यहाँ पर 30% ऑफ सेल चल रही है। इनकेस आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग आ सके यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये लैटिन क्वार्टर का आउटलेट है, यहाँ से ही मैं कुछ लेने वाली हूँ। एंड बहुत सब प्रोडक्ट पे सेल नहीं है, मैं आपको बता दूँ, न्यू अराइवल भी है एंड कुछ कुछ सेल भी चल रही है। तो यहाँ पे वर्मा जी भी हैं, दिखाते हैं। ये देखिए ये शॉपिंग करके आ रहे हैं, क्या क्या लाया है वो बाद में दिखाएंगे। ये So guys, हम आ चुके हैं अपने घर और बहुत थक गए हैं, बट खुशी भी बहुत ज्यादा है। आ जाइए चलते हैं ऊपर घर, और बारिश आ गई है और अब बस हम ऊपर चल रहे हैं। व्यू को दिखाते हैं, व्यू भी बहुत खुश हो जाएगी। हाले गुड्डा, देखो मम्मा क्या लेके आई है, ये देखो क्या है ये, आराम से रखना उधर, ले चलो चलो।